हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं LTE प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 25। इसमें हम लोग बात करेंगे कि मेरा RF एक्सपीरियंस है, मैं उसको मैनेज कैसे करूँगा अपने प्रोटोकॉल टेस्टिंग में, या मैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग में नहीं वर्क कर रहा हूँ और किसी दूसरे डोमेन में काम कर रहा हूँ, उसमें मैं कैसे इस तरह को मैनेज करूँगा। तो ये क्या हो जाता है कि आपको तो किसी भी तरह से आप टेलीकॉम एक्सपीरियंस आपको है, कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको टेलीकॉम एक्सपीरियंस है। अगर आप बात करें उसमें कि हमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो BSS में है या किसी दूसरे डोमेन में है, NOC में है या किसी दूसरे डोमेन में है, मैं RF में हूँ फील्ड में, तो ये सभी क्या है कि हमें तो ये सभी नॉलेज मालूम है टेलीकॉम का। तो उनके लिए जो और स्विच करना चाहते हैं जो RF फील्ड से हैं या ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं या कोई भी है, अगर वो स्विच करना चाहते हैं कि हमें स्विच करना है हमें प्रोटोकॉल टेस्टिंग में, तो एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेके चलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम्पल। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चंस थी कि सर मेरा तो एक्सपीरियंस RF में है, मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा, मैं कैसे इंटरव्यूअर को बताऊँ कि मैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग में काम कर रहा हूँ, मैं कैसे शो करूँगा उनको। तो ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो मेरे कमेंट में आ रहे हैं, हमें मेल आ रहे हैं उनको, तो उनको बताने की कोशिश मैं करूँगा यहाँ पर कि कैसे अपने RF एक्सपीरियंस को या ड्राइव टेस्ट एक्सपीरियंस को आप यहाँ प्रोटोकॉल टेस्टिंग में कन्वर्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल मैं लेता हूँ, किसी का एक्सपीरियंस है, किसी को 7 ईयर्स 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ओके। आपने इस 7-8 ईयर्स में आपने 2 या 3 कंपनी चेंज किया, ओके, 2 से 3 कंपनी मैं मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पिछली जो भी कंपनी है, 3 या 2 या 3 कंपनी जो भी है, उसको क्या करूँगा, मैं उसको RF में ही छोड़ता हूँ और लास्ट वाली जो मेरी कंपनी होगी उसको मैं बोलूँगा कि मैं इसमें प्रोटोकॉल टेस्टिंग का काम करता हूँ। तो अब ये बोलना होगा कि आप बोलेंगे कि फिर RF मैं तो बोल दिया ठीक है कि मैं इसमें प्रोटोकॉल टेस्टिंग में काम करता हूँ, तो इसको शो कैसे करूँगा कि मैं ये लास्ट वाली कंपनी जो मेरी है उसमें मैं कैसे शो करूँगा कि मैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न है, ओके। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे आप, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था आपको कि आप ये कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ किसी आप वेंडर के लिए काम कर रहे हैं या किसी ऑपरेटर में काम कर रहे हैं, तो सभी ऑपरेटर्स और वेंडर जो होते हैं सभी प्रोटोकॉल टेस्टिंग का काम करते हैं, ओके। ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लो। अगर आप बात करें टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है या जियो है, तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रोटोकॉल टेस्टिंग का काम करती है, ओके। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ अपनी वेंडर्स कंपनीज जुड़ी रहती है, जैसे मैं बात करूँ नोकिया है, एरिक्सन है, ZTE है, जो भी है कंपनीज है, हुआवे है, वो सभी क्या है, ये प्रोटोकॉल टेस्टिंग का ये सभी कंपनी भी काम करती है। तो आप किसी तरह से इन कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इनसे जुड़े ही रहते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपकी लास्ट कंपनी, ओके, यू आर वर्किंग फॉर दैट प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स इन दिस कंपनी, सेम कंपनी, ओके, बोला कि यस आई एम वर्किंग फॉर दिस सेम कंपनी एंड प्रीवियस आई वाज वर्किंग फॉर दैट ड्राइव टेस्ट इंजीनियर आर एफ इंजीनियर, ओके। आप ये बोल सकते हैं पिछली कंपनी में मैं RF इंजीनियर का काम करता था और यहाँ 2 से 3 साल से लिए मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल टेस्टिंग का काम करता हूँ, ओके। तो इसके पहले क्या होता है, जैसे ही आपका इंटरव्यूअर क्या होगा ये तो आपको बताना कैसे है, तो ऐसे बोलना होगा कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 7 साल या 8 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है, उस टोटल एक्सपीरियंस में मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 7 ईयर्स 8 ईयर्स है, उस ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ मैं वहाँ पर टेलीकॉम ड्राइव टेस्ट इंजीनियर, सिग्नल टेस्टिंग या कुछ भी RF ड्राइव टेस्ट में काम करता था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स कंपनी या नोकिया के लिए या वोडाफोन के लिए या किसी के लिए मैं यहाँ पे लास्ट 3 साल से या 2 साल से मैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग का काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बीटा टेस्टिंग का काम करता था, ओके। बीटा टेस्टिंग करने का मतलब क्या होता है, अब बीटा टेस्टिंग एंड टू एंड टेस्टिंग करता था, ओके। आपको ये क्लियर हो जाए, आप ड्राइव टेस्ट हो या RF इंजीनियर हो या किसी भी फील्ड में, लास्ट कंपनी में आपको ये बताना है कि मैं यहाँ पे बीटा टेस्टिंग करता हूँ, और बीटा टेस्टिंग कौन सा करता हूँ, बीटा टेस्टिंग मैं लैब में और प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाके मैं इनको करता हूँ, टेस्टिंग मेरा होता है यहाँ पे। तो पहला ये होता है बीटा टेस्टिंग होता क्या है, बीटा टेस्टिंग ये होता है कि जो कोई भी ऑपरेटर्स है, अगर कोई इक्विपमेंट, किसी वेंडर का इक्विपमेंट अगर अपने नेटवर्क में यूज़ करता है तो उसको क्या होता है, उसको बीटा टेस्टिंग करना होता है। उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सैमसंग की बात करता हूँ या जियो, नोकिया की बात करता हूँ, तो सैमसंग जैसे जियो है,
सैमसंग का इक्विपमेंट यूज़ करता है। तो उसमें ये बोल सकते हैं, अगर आप जियो में अपवर्क कर रहे हैं या जियो के लिए काम कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं सर, मैं सैमसंग और रिलायंस जियो के लिए काम करता हूँ, ओके, और मैं थर्ड पार्टी वेंडर्स में काम करता हूँ, और यहाँ पे प्रोटोकॉल टेस्टिंग का काम होता है, ओके, यहाँ पे बीटा टेस्टिंग का मैं काम करता हूँ। उस बीटा टेस्टिंग को जैसे सैमसंग के द्वारा ऑलरेडी अल्फ़ा टेस्टिंग कर लिया जाता है, इट्स ऑलरेडी डन बाई द अल्फ़ा टेस्टिंग इज डन बाई द सैमसंग टीम, और बीटा टेस्टिंग इज डन बाई द थर्ड पार्टी विच इज़ कम्बाइंड टेस्टिंग विथ जियो एंड सैमसंग, ओके। तो सैमसंग का कोई भी इक्विपमेंट अगर जियो अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसके लिए बीटा टेस्टिंग किया जाता है, ओके। तो बीटा टेस्टिंग हम लोग लैब में भी करते हैं और उसको जाके फील्ड में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक BTS यूनिट भी की बात करूँ, एक यूनिट भी जाके वहाँ पे फील्ड में जियो ने सैमसंग का यूनिट भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, मीन्स वहाँ पे इंस्टॉल करा है। इंस्टॉल कराने के बाद में हम लोग ड्राइव टेस्ट बोलते हैं वहाँ पे, कि हम लोग ड्राइव टेस्ट करते हैं और ये टेस्टिंग करते हैं। सेम वही आप बोलो वहाँ पे जाके कि मैं यहाँ पे फील्ड में जो बीटा टेस्टिंग करता हूँ, उस टेस्टिंग में मैं अटैच देखता हूँ, डिटैच देखता हूँ, हैंड ओवर हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी आप ड्राइव टेस्ट में बोलते हैं उसी तरह का आप बोलो कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली मैं फील्ड में जाके अटैच प्रोसेस देखता हूँ, डिटैच देखता हूँ, हैंड ओवर देखता हूँ और थ्रूपुट टेस्ट करता हूँ, और उसके लिए डिफरेंट टूल्स जो यूज़ करते हैं, मैं QXDM का टूल यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे कोई पार्टिकुलर टूल आप यूज़ करते हैं, XCAL या XCAL जो भी टूल यूज़ करते हैं उसको आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस यूज टूल्स के थ्रू यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, और उस लॉग्स को मैं अपने लैब में सेंड करता हूँ, और उस लैब को सेंड करने के बाद वहाँ पर जाके मैं एनालिसिस करता हूँ, ओके। तो किस तरह से आप एनालिसिस करते हो, तो वहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आप बोल सकते हैं कि वायरशार्क टूल यूज़ करता हूँ मैं वहाँ पे, या डिफरेंट अदर कोई एनालिसिस टूल आपको मालूम है जो जिसमें आप लेयर 2 लेयर 3 जैसे टिम्स में भी आप जाते हैं या नेमो में भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी लेयर 2 और लेयर 3 का मैसेज हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, या XCAP जो है XCAL का ड्राइव टेस्ट करने के बाद जो भी लॉग्स हम लोग अपलोड करते हैं वो XCAP में जाता है, और वहाँ पे हम लोग लेयर टू और लेयर 3 मैसेज को हम लोग इजीली देख सकते हैं, और वहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं ये सभी देख सकते हैं। मेरा कॉल ड्रॉप्स हुआ है तो किस रीज़न से ड्रॉप हुआ है, कहाँ पर ड्रॉप हुआ है, वो सभी चीज़ हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सेम वही टेक्निकल टर्म आपको यहाँ पे देना है, लेकिन उसको वहाँ पे बताना नहीं है, ओके। तो ये क्लियर हो जाता है आपको कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं सर मेरे यहाँ मेरा नाम राम श्याम जो भी है, ये नाम है मेरा, 8 साल का एक्सपीरियंस है, इट्स 8 साल के एक्सपीरियंस में मैं लास्ट 6 ईयर से या 5 ईयर से मैं RF में था, लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल टेस्टिंग में वर्क कर रहा हूँ और बीटा टेस्टिंग कर रहा हूँ, वो फील्ड में भी और वहाँ पे लैब में भी, और मेरा लैब जो है रिमोट, अभी हम लोग एक्सेस करते हैं मुंबई से या दिल्ली से या कहीं से हम लोग अपने एक्सेस करते हैं, और बीटा टेस्टिंग करके हम लोग रिपोर्ट को जियो को एयरटेल को जिस भी कंपनी में आप करते हैं वहाँ पे मैं इनको रिपोर्ट को सबमिट करता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको शॉर्टआउट करते हैं, मैं अपने डेवलपर को देता हूँ या सैमसंग के डेवलपर को देता हूँ, वो अपना रेक्टिफाई करते हैं। ये हो जाता है मेरा एक्सपीरियंस को मैनेज करने का तरीका, ओके। और आप ये देख सकते हैं उसके साथ रिज्यूम में मैं बताया था ऑलरेडी, आप पिछले वीडियोस में देखेंगे आप, तो रिज्यूम के बारे में मैंने बताया था ऑलरेडी कि कौन कौन सा चीज़ हम लोग मैनेज वहाँ पे कर सकते हैं और क्या क्या लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर टॉपिक जो था आज का, मेरा टॉपिक जो था यहाँ पे यही था कि हम लोग अपने RF एक्सपीरियंस को मैनेज कैसे करेंगे और किस तरह से इंटरव्यू में आपको बताएंगे। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है आपको तो आप हमको मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको हर तरह की सहायता देते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।